जनपद अयोध्या की रहने वाली पीड़िता है और राम जन्मभूमि मंदिर में राम मंदिर में ये सफाई कर्मी है। पिछले 16 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त तक लगातार इस बच्ची के साथ दुराचार हुआ है और जो दुराचार करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार के हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं पदाधिकारी हैं। अभी तो अभी उतारो, दो मिनट के अंदर उतार। अभी भाई ये सारा भंग हो गया यार, अभी उतारने से अभी उतार, दो मिनट का टाइम है, दो मिनट का टाइम है। मैं मंगवा बता रहा हूँ, दो मिनट का राम आजम खान कृष्णा अहमद भारत अहमद भारत भारत को बुखाओ अहमद कंपनी। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं चार पांच बड़ी इंपॉर्टेंट खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हां, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म एक्स है, ट्विटर है, वो जाहिर है कि बहुत ही स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है और आज जब मैं उसे देख रहा था तो उसमें कई बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी अहम खबरें जो नेशनल मीडिया का शायद हिस्सा नहीं बन पाई हैं या उन्हें नेशनल मीडिया का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन खबर जो है वो बहुत ही अहम है। जिस तरह से हमारे नेशनल मीडिया पे आप देखते हैं कि बहुत सारे मौजूद जो हैं वो डिबेट का हिस्सा बनाए जाते हैं और कई बार लगता है कि जिन मौजू को डिबेट का हिस्सा बनाया जाता है दरअसल वो कोई मौजू नहीं है सिवाय ये कि आपस में लड़वाने का। लेकिन कुछ ऐसे मौजू होते हैं जो वाकई लगता है कि उन्हें जरूर डिबेट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए। जी हां, समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है, एक तस्वीर ट्वीट की है और एक समाजवादी पार्टी के लीडर ने एक बाइट दी है। वो दोनों चीजें ट्विटर पे मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी ने एक खबर जो है वो वायरल की है, खबर जो है वो अपलोड की है और खबर ये है कि अयोध्या में राम मंदिर में साफ सफाई का काम करने वाली सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई पीड़िता छात्र ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें। तो आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि वो तस्वीर है और इसका वीडियो भी मौजूद है जिसमें समाजवादी पार्टी के जो लीडर है वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादती इस नाबालिग लड़की के साथ हुई है और वो ये भी बता रहे हैं कि ये जिसने भी ये घिनौना काम किया है वो बीजेपी के या तो पदाधिकारी हैं या तो पदाधिकारी के रिश्तेदार हैं, लेकिन उनका ताल्लुक बीजेपी से है और इसीलिए खामोशी छाई हुई है। हालांकि यूपी में इंसाफ का राज है, वहां बुलेट और बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहां सबको इंसाफ देने का काम है। तो सवाल यह है कि जिस तरह से मोहित खान के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, आखिर अब जब ये एक दलित बेटी सामने आई है और वो बाकायदा एफआईआर उसने दर्ज की है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कार्रवाई मेरे ख्याल से होनी चाहिए और तभी ये समझा जाएगा कि योगी राज में सभी को इंसाफ मिलता है और कोई भी अपराधी जो है वो बचा नहीं रह सकता, ख्वाह वो कोई भी हो। तो यहां पे ये आप देखिए तस्वीर है। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो सदफ आफरीन ने इसको ट्वीट किया है और ये है कि यूपी में कभी मजार को तोड़कर शिवलिंग रख देते हैं तो कभी किसी मजार में हनुमान मूर्ति रख देते हैं। एक की आस्था को तोड़कर आप भगवान को खुश करना चाहते हैं या फिर माहौल खराब करना चाहते हैं, सवालिया निशान। इन संगठन वालों पर
पावरफुल लोगों का हाथ है, इसलिए बार बार ऐसी हरकतें ये करते हैं। और इन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, वहां नारे भी लगाए जा रहे हैं, तो ये तस्वीर भी बहुत साफ है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, बार बार ऐसी घटनाएं खास तौर से उत्तर प्रदेश से क्यों आ रही हैं, क्या वाकई जो है पूरे सूबे का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो आपके सामने है, छोटा सा हिस्सा मैं आपको उसका दिखा भी देता हूं। इसके अलावा एक और तस्वीर आई है, यह अंसार इमरान, उन्होंने भी सोशल मीडिया ट्विटर पर एक पोस्ट की है और उन्होंने जो लिखा है वो मैं पढ़ता हूं। गौ रक्षा दल के नाम पर आग मूतने वाला ये हिंदू चरमपंथी भीमदत्त चौधरी नामक युवक बिना सत्ता और प्रशासन के संरक्षण के इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो सरेआम मुस्लिम दुकानदारों को धमकाने का कानून विरोधी काम कर सके। मुस्लिम विरोधी एजेंडे के तहत वीडियो बनाना अब देश में समान बात होती जा रही है। सबसे दुखदायी पहलू तो यह है कि स्थानीय प्रशासन ऐसे सभी मामलों में नपुंसक की तरह बैठकर केवल तमाशा देखता है, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। तो इस पर भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी दो मिनट का टाइम है। यहाँ पे खुल्लम खुल्ला आप देखिए कि किस तरह से धमकाया जा रहा है और एक तरीके से दुकान को हटाने की कोशिश की जा रही है। नाम क्यों आपने श्री कृष्णा रख लिया? सवाल यह है कि एक तरफ भाईचारे की बात है, एक तरफ ये कि लोग जो है अपनी आस्था जाहिर करें, लेकिन अगर कोई नाम भी रख लेता है तो इन्हें परेशानी हो रही है। और यही नहीं बल्कि उत्तराखंड में ये भी देखा जा रहा है, एक मस्जिद में बाकायदा आरएसएस के कारकुनान पहुंचते हैं और मस्जिद का बाकायदा जो है बायोडाटा मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ईडी हैं, सीबीआई हैं, आईबी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, कौन लोग हैं, लेकिन वो कोई नहीं है, आरएसएस के लोग हैं, वो अब छानबीन कर रहे हैं, यानी हुकूमत से ऊपर होकर के वो काम कर रहे हैं। ये भी बहुत ही शर्मनाक है। इसी तरीके से एक और आप देखिए यहाँ पे द मुस्लिम, उसकी तरफ से ये तस्वीर आई है, रेसकोर्स देहरादून उत्तराखंड 16 सितंबर, इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। एक मुस्लिम फास्ट फूड विक्रेता को इसलिए परेशान किया गया और उसके साथ बदसलूकी की गई क्योंकि उसने भोजन मेनू में यानी खाने के मेनू में ये उल्लेख नहीं किया था कि गोश्त जो है, मांस जो है वो हलाल है। स्थानीय बजरंग दल नेता विकास वर्मा भगवा ने कहा कि एक सिख परिवार ने फूड जॉइंट पर रोल खाया और भुगतान करते समय पेमेंट ऐप पर मुस्लिम विक्रेता का नाम देखने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि मीट हलाल है। उन्होंने फूड जॉइंट पर हिंदू और सिख बहुल इलाके में हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। ये तस्वीर भी आप देखिए कि यहाँ पे जिस तरह की सामने आ रही कि एक के बाद एक इस तरह की चीजें सामने लाई जा रही हैं और बायकॉट करने की मुहिम या मुसलमानों को या एक खास तबके को परेशान करने की मुहिम यहाँ पे चलाने का काम किया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस जो हैं और बहुत सारे बहुत सारी खबरें वो आप देखिए कि इस पे आई हुई हैं। बहरहाल इनमें से कई ऐसी हैं जिन पर बहस होनी चाहिए और सोशल मीडिया पे काफी इस पर बहस है।
बहरहाल हम फिर इसी तरीके की कुछ अहम खबरें लेकर हाजिर होंगे जो सोशल मीडिया से होंगी और आप तक शायद न पहुंची हो। तो देखते रहे MMC News India। शुक्रिया।